हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और आपका स्वागत है राखीज किचन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जो है संतरे की जूस यानी कि ऑरेंज जूस। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं इन्ग्रीडियंट। मैंने ले लिया 2 ऑरेंज, ये बहुत ही ताज़ी ऑरेंज है, और मैंने ले लिया 2 बड़े चम्मच के करीब शहद और 1/2 टी स्पून के करीब काला नमक। और गार्निशिंग के लिए चाहिए आइस क्यूब, ये ऑप्शनल है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने सारे ऑरेंज को ऐसे पील ऑफ कर लिया। आप चाहे तो छिलका हटाने के साथ साथ इसका सीड्स भी निकल सकते हो, और मैंने साइड में इसका छिलका रख दिया क्योंकि ये ड्राई करके आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, वो बहुत यूज़फुल होता है हेल्थ के लिए। और ड्राई किया हुआ ऑरेंज का छिलका स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसका सीड्स वगैरह सब कुछ निकल दिया और मैं एक ग्राइंडर में इसको मैं ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक टिप देता हूँ, वो है छिलका हटाने के बाद और सीड्स निकलने के बाद आपको तुरंत इसको ग्राइंड करना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शहद यानी कि हनी। आप चाहे तो इसके जगह हनी के जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने काला नमक भी ऐड कर दिया। तो अब चलते हैं इसके ग्राइंड करने के प्रोसेस में। देखिए, ये जो ऑरेंज जूस है बिल्कुल बनके तैयार है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये ऑरेंज जूस बन जाते हैं, और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है क्योंकि मैंने इसमें शहद और काला नमक यूज़ किया। आप भी सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। और मैंने आइस क्यूब दे दिया, तो मैंने इसको गार्निशिंग भी कर दिया। आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए पुदीना पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑरेंज जूस एकदम रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। दोस्तों, अगर रेसिपी हेल्पफुल लगे और यूज़फुल लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।